लाइव और मैं हूं आपके साथ नुपुर शर्मा। लालू यादव ने नीतीश पर नियंत्रण के लिए जगदानंद सिंह के सामने डाले हथियार। जी हां, इतना तो अब तय हो गया है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के अति विश्वसनीय चेहरा जगदानंद सिंह एक बार फिर राजद की बागडोर बतौर प्रदेश अध्यक्ष संभालेंगे। लोगों को कोई शक ना रह जाए, इसलिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जगदानंद सिंह और अब्दुल बारी सिद्दीकी को एक साथ बिठाकर पार्टी की वर्तमान जरूरत को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय दिया। दरअसल लालू प्रसाद यादव जिस विरासत की राजनीति के पोषक बने हैं, वहां उनके पुत्र तेजस्वी यादव के लिए अकेले दम पर सक्रिय और सफल राजनीति करना आसान नहीं है। खासकर यहाँ एक तरफ भाजपा जो क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने का मौका ढूंढते रहती है, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार, ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जैसे घाघ नेताओं के बीच तेजस्वी यादव की राजनीतिक कश्ती को खेना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे में जगदानंद सिंह और अब्दुल बारी सिद्दीकी ही हैं जो लालू प्रसाद की विरासत के खेवनहार बनेंगे। वैसे भी जगदानंद सिंह ही वह उपयुक्त नेता हैं जो तेजस्वी यादव के राजनीतिक कद की सुरक्षा कर सकते हैं और नीतीश कुमार की राजनीति के सूक्ष्म संदेश को भी भाप सकते हैं। इसके साथ ही जातीय समर्थन की बात करें तो सवर्णों में एकमात्र राजपूत जाति ही है जो राजद के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलता रहा है। जी हाँ, राजपूत जाति कई विधानसभा में ब्राह्मण और भूमिहार वोट को संतुलित भी करती है, इसलिए भी राजद सुप्रीमो को जगदानंद सिंह की जरूरत रही है। देखें तो रघुवंश प्रसाद सिंह का ना होना खुद ब खुद जगदानंद सिंह की उपस्थिति को पहले से भी मजबूत कर रहा है। वैसे चर्चा तो यह भी थी कि राजपूत जाति का वोट राजद को ज्यादा से ज्यादा पड़े, इसलिए आनंद मोहन को भी साथ लाने पर काम हो रहा है। इस तरह हर दृष्टि से जगदानंद सिंह राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। संगठन को मजबूती से चलाने के लिए इनका कोई सानी नहीं है। जगदानंद सिंह का रुतबा और स्वीकार्यता भी अद्भुत है और वे अनुशासन प्रिय भी बहुत हैं। इसकी वजह से वह तेज प्रताप यादव समेत कई नेताओं के निशाने पर चढ़ गए, पर उन्होंने वही किया जो पार्टी की मजबूती के लिए सही था। इस तरह लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं जदयू और भाजपा के षड्यंत्र से तेजस्वी यादव और राजद को बचाने के लिए अपने विश्वासी जगदानंद सिंह के आगे झुक गए। जाहिर सी बात है कि राजद प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी पर जगदानंद सिंह की मौजूदगी यह बताने के लिए काफी है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ किसी का कोई षड्यंत्र सफल नहीं होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल रबजी लाइव के साथ। धन्यवाद।